हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये जेंस हाफ स्वेटर में जो डिज़ाइन डाला है उसको बताऊंगी कि कैसे बनाया जाता है ये। और इसमें मैंने 110 फंदे डाल रखे हैं और ऊपर 30 फंदे बढ़ाए हैं, 15 एक साइड और 15 दूसरी साइड। इस तरह से ये फंदे बढ़ा रखे हैं और जो ये डिज़ाइन है, एक नीडल हमारी आगे होगी और 15 नीडल हमारी पीछे रहेगी। जो 15 नीडल हमारी पीछे हैं और एक नीडल आगे हैं, तो इसी तरह जो नीडल हमने आगे कर रखी है ये नीडल हमने आगे ही रखनी है। और इस पे ही हमारा डिज़ाइन बनेगा। नीडल और ये टक वाला बटन जो है ये हमने ऐसे पीछे कर लेना है और 2 रो लगा लेनी। उसके बाद ये बट जो नीडल है हमारी उसको हमने पीछे कर लेना है, एक नीडल पीछे करनी है और साइड वाली नीडल आगे कर लेनी है। फिर हमने 2 रो लगानी है। पहले एक नीडल करनी है, फिर साइड की एक एक नीडल। ऐसे ही हमारी नीडल बढ़ती जाएगी। फिर ये नीडल दोबारा हमने पीछे कर लेनी है और साइड वाली जो नीडल है उसको हमने आगे कर लेना है। और ध्यान रखना है जो टक वाला जो हमारा बटन है उसको हमने पीछे कर लेना है, ताकि ये जो नीडल आगे की है ये बुने ना, इसको हमने बाद में बुनना है। इस तरह से फिर हमने दोबारा इन नीडल को ऐसे पीछे कर लेना है और साइड वाली नीडल को हमने आगे कर लेना है। जब तक हमारे बीच में 7 नीडल ना हो जाए तब तक हम ये करते रहेंगे। फिर हमने दोबारा इस नीडल को यूं पीछे कर लिया और साइड वाली नीडल आगे कर लेनी है। ये नीडल जो इसको हम पीछे करके इसको बुन लेंगे, ऐसे इस तरह से बुन लिया और 2 रो लगाएंगे। 2 रो लगाने के बाद फिर हमारा ये कंप्लीट हो गया है। एक बीच में हमारे 7 फंदे रह जाएंगे, ये देखिए 7 फंदे हैं, साइड में भी 7 फंदे रह जाएंगे। फिर हमने ये टक वाला जो बटन है इसको हमने आगे करके 2 रो लगा ली। फिर हमने क्या करना है, जहाँ हमारा ये जितना हमने जो नीडल हमने आगे कर रखी थी उसी नीडल में हमने जाली बनानी है और 7 फंदे हमारे देखो ये इसमें बीच में रह जाएंगे साइड में। और बीच में हमारे 5 फंदे होंगे। और जो ये जाली बना रहे हैं उसको हमने फिर ये जो पीछे नीडल है इनको हम बराबर आगे कर लेंगे।
इनको बराबर कर लेंगे और टू रो लगा देंगे। इस तरह से फिर हमने बीच अगली नीडल को खाली करना है, अंदर की साइड को हमारी ये जाली बनती जाएगी। ये हमारी चार जाली बनेगी। फिर हमने टू रो लगानी है, फिर हमने एक बार और जाली बनानी है। बीच में हमारा एक जो फंदा है उसमें हमने ये फंदे डाल देने हैं। बीच वाले फंदे में जो नीडल है हमारी उसमें तीन फंदे हो जाएंगे। ये फंदा निकल गया, इसको हम ऐसे नीडल में डाल के इसको इसको बुन लेंगे। फिर इस तरह से इसको नीडल में डाल देंगे। अब हमारा ये डिज़ाइन, एक डब्बी जो है वो पूरी कंप्लीट होगी। और ये नीडल जो है ये इसको हम आगे कर लेंगे, बराबर कर लेंगे और टू रो लगा दी। अब हमने क्या करना है, जो ये बीच वाले नीडल है इसको हमने आगे कर लेना है। बीच में हमारी 15 फंदों की जो नीडल है ये पीछे रहेगी और एक नीडल हमने आगे कर लेनी है। एक बार हमारी डब्बी बीच में बनेगी, एक साइड में बनेगी, मतलब ऑपोजिट डब्बी बनाएंगे हमें। इसको हम एक जैसा भी बना सकते हैं ऊपर को, और हम ऑपोजिट भी बना सकते हैं, जैसे भी अच्छा लगे वैसे बना सकते हैं। और इसी तरह से हमने ये नीडल साइड वाली आगे कर लेनी है। पहले हमने बीच वाली नीडल आगे की, अब ये नीडल हमने पीछे कर ली, अब आगे ये नीडल कर देंगे। इस डिज़ाइन को सभी बहनें बना सकती हैं, जिनके पास सिंपल नीटिंग मशीन है वो भी बना सकती हैं, और जिनके पास कार्ड मशीन है वो भी बना सकती हैं। और इसके बाद हमने टू रो लगानी है। ये नीडल रहेगी पीछे करनी है ये इस तरह से, और इसको बुन लेंगे। ये दूसरी नीडल भी हमारी आगे रहेगी।
इसको भी भून लेंगे और टू रो लगा देंगे। टू रो लगाने के बाद फिर हमने एक नीडल और निकालनी है। जिसमें हमारी टू रो लगी वो हमने पीछे कर लेनी है और जो बाहर वाली नीडल है उसको आगे कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनता जाएगा। इस तरह से बीच में सात सात फंदों का गैप रह गया। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने जाली बनानी है और इसी तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनता जाएगा। आई होप आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो।